सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा मार्ग दुर्घटनाएं होती है। वहीं NH-28 पर रफ्तार संग सल दार सल हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं हर साल एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जहां रोड हादसे में बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बहुत से लोग मार्ग दुर्घटनाओं में अपंग भी हो रहे हैं। इसी के साथ ही जगह जगह अवैध कट्स और यातायात नियम का पालन न होने की वजह से एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मेरे हिसाब से आज के दौर में जो लोग हेडफोन ईयरफोन का प्रयोग कर रहे हैं, इससे लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता और अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं और गलत साइड में जो गलत साइड से चलने का प्रचलन हो गया है, लोग बाएं से भी निकल के ओवरटेक कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुर्घटना का कारण बन रहा है। बिल्कुल, चूँकि ये पता नहीं रहता है, लोग अपने स्पीड से जाते हैं और डिवाइडरों पर जो पेड़ लगे हुए हैं उसकी आड़ में वो कटिंग पता नहीं चलता है कि यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि हम लोग से मान लीजिए लाइसेंस हमको मिला है, ट्रैफिक रूल ना फॉलो करते हुए लाइसेंस हमको मिल गया, हम गाड़ी बाइक या कार जीप कुछ चलाते चले गए, उसका सिस्टम इंडिकेटर डायरेक्शन हमको नहीं मालूम है और हम बैठ गए हाईवे, मतलब हाईवे पर हैवी गाड़ियाँ चल रही हैं, वो अपने डायरेक्शन में चल रही हैं, सिस्टम में चल रही हैं, हमको अगर उसका लोकेशन या इंडिकेटर नहीं मालूम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा यातायात माह भी चल रहा है, नवंबर मंथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यातायात माह होता है जिसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको सेंसिटाइज करते हैं ट्रैफिक को लेके। हमारे यहाँ कुछ हाईवेज हैं, वहाँ पर भी हम कुछ अपनी पॉलिसीज या कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो मैंने सभी को ये कहा था कि कुछ चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, उन चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स में जहाँ पे करेक्शनल मेजर्स लिए गए हैं कि उसको सही करने की कोशिश की गई।